देखिए प्रेस रावल सर जी के ये जो दिख रहा है ना, ये तो देखिए फ्रेंड्स, ये गाड़ी लगी हुई है परेश रावल सर की। देखिए कितना ज़बरदस्त गाड़ी लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है परेश रावल सर का घर, और देखिए वहाँ पे लिखा गया है सुभद्रा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देखिए, अभी हम हैं मुंबई के जुहू बीच में, और आज आप लोग को लेकर चल रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन, जो कि हेरा फेरी में आप लोगों ने सुना ना। तो हम आज बात कर रहे हैं परेश रावल सर की। तो चलिए आज आप लोग को उनका घर दिखाते हैं और उनका नेटवर्क, उनकी लाइफ स्टाइल सब बताते हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ, हमारे चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मतलब अनिल कपूर सर का जिधर घर है ना, उसके आगे वाले गली से राइट लिए हैं, और वहीं पे बताया गया है परेश रावल सर का घर है। चलिए देखते हैं कितना दूर है। तो आप लोग उनकी पूरी जानकारी देंगे और उनकी मूवी के बारे में क्या बताएं, बहुत ही सुपर डुपर हिट होती है। चलिए देखते हैं कौन सा घर है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम पहुँच गए हैं बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन का, नाम तो आप लोग को पहले बता चुके हैं, परेश रावल सर के घर के पास। और आप लोग को बता दें, अगर यहाँ पे आना है ना, तो देखिए यहाँ पे एक महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, देखिए वहाँ मेरे पीछे में, तो वहीं पर आइए। और उनके जस्ट सामने ही परेश रावल सर का घर है, और उनके फ्लैट का नाम है सुभद्रा। तो चलिए आप लोग को थोड़ा उनके घर का व्यू दिखाते हैं, और उसके बाद फिर उनके बारे में बताते हैं। देखिए परेश रावल सर के बारे में बताना हमको तो हम बता ही देते हैं, लेकिन उनके बारे में वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उनका जितना भी फिल्म देखे हैं ना, बहुत ही सुपर डुपर हिट। हेरा फेरी देखिए, फिर हेरा फेरी देखिए, मतलब फिल्म के वो पूरे कॉमेडियन कॉमेडियन में ऐसे कि हर हीरो के साथ वो ढल जाते हैं। चलिए आप लोग को उनका घर दिखाते हैं मनेरे ब्लॉग के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है परेश रावल सर का घर, और देखिए वहाँ पे लिखा गया है सुभद्रा। देखिए उनकी गाड़ी अंदर में लगी हुई है, और यहाँ पे ठेला वाले भैया बताएं कि वो जो आप लोग को दिख रहा है जहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, वो पूरा अपार्टमेंट उन्हीं का है, पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो चलिए आप लोग देखिए इनका घर, और इनका व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल हरे भरे पेड़ पौधे आगे में हैं, और सामने देखिए यहाँ पे है महाराष्ट्र बैंक है, इसी के जस्ट अपोजिट साइड, मतलब सामने ही इनका घर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को उनका घर थोड़ा अब सामने से दिखाया ना, अब थोड़ा साइड व्यू से दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त लगता है। देखिए देखिए वाला जो घर दिख रहा है ना, यही है परेश रावल सर का घर। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त बिल्डिंग है इनके घर का। देखिए गेट, और चलिए मिल, अगर आते हैं बाहर तो मिल लेते हैं, अभी दोपहर का टाइम है, ऐसे तो मिल सकेंगे नहीं। तो देखिए इसी अपार्टमेंट में रहते हैं हमारे परेश रावल सर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गाड़ी लगी हुई है परेश रावल सर की, देखिए कितना ज़बरदस्त गाड़ी लगा हुआ है। और चलिए आप लोग को इनके बारे में कुछ बताते हैं, और इनके घर का व्यू आप लोग को दिखा दिए, चलिए इनका नेटवर्क के बारे में बताते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स, परेश रावल सर का जन्म 30 मई 1955 ईस्वी को महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम स्वरूप संपत है, और इनके दो बच्चे हैं। और आप लोगों को बता दें, परेश रावल सर पेशे से एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियन और कॉमेडियन है, और ये पॉलिटिशियन पार्टी में बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और इनको पद्मश्री अवार्ड 2014 में दिया गया। और परेश रावल सर की फिल्म की बात करें तो इन्होंने मोहरा, तमन्ना, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, नायक, आवारा पागल दीवाना, माला माल विकली जैसे फिल्मों में इन्होंने, दे दनादन जैसी फिल्मों में इन्होंने मतलब कॉमेडी का रोल करके इन्होंने पूरे फिल्म को सुपर डुपर हिट कर दिया था। आप लोगों ने हेरा फेरी मूवी देखा होगा, जिसमें इन्होंने एक कॉमेडी किया हुआ है, बाबू राव का रोल किया हुआ इन्होंने। इनके नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ लगभग 93 करोड़ रुपए, और इनकी सैलरी लगभग 12 करोड़ प्लस, और इनका मंथली इनकम लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। और इनके कार कलेक्शन में अगर आपको बताएं तो मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कारें, लग्जरी कारें इनके कार कलेक्शन के लिस्ट में। देखिए परेश रावल सर जी के ये जो दिख रहा है ना, ये गुलदस्ता वाला, मतलब ये जो फूल लगा हुआ है, यही है परेश रावल सर जी का अपार्टमेंट, पूरा यहाँ से वहाँ तक उन्हीं का है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग? देखिए आप लोग को आज दिखा दिए बॉलीवुड के सबसे मशहूर कॉमेडियन परेश रावल सर का घर, और देखिए इनके घर के बारे में जितना आप लोग को बताएं
ये यहीं पे रहते हैं, जो एक ठेले वाले भैया थे यहाँ पे, उनसे पूछे तो बोला वो हम लोग रोज़ देखते हैं। तो हमें बताया कि हम मेरे जस्ट आने से 10 मिनट पहले वो बाहर आए हुए थे किसी काम से, फिर वो अंदर चले गए। चलिए देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मिलने की तो एक तमन्ना रहती है, हम जैसे लोगों को सुपरस्टार से, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। जिन्हें हम टीवी में देखते हैं उनके घर के पास आए, लेकिन उनसे मिल नहीं पाते हैं। चलिए आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और हाँ, नीचे इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय।